मैं कहा मेरे लिटिल फिंगर ने मेरे बच्चे को उड़ा दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां पर तुम्हारा सामना होगा मेरे छोटे भाई पल्लू से। नाम पर नहीं, काम पर जाओ। इसे तो मैं रात में उठा के ले जाऊंगा, जब सुबह उठेगा तब आएगा मजा। मुझे लगता है कि आज भी मैं सनग्लासेस पहन के सो गया था। बट यार ये मैं बेड पे सोया था या फिर ये कहाँ पर हूँ मैं? लिटिल फिंगर, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तो आज मैंने तुम्हें अपने छोटे भैया की दुनिया में कैद कर दिया। निकल सकते तो निकल के दिखाओ। अबे यार इस काल की हंसी और इसके ड्रामे कभी खत्म नहीं हो सकते। पता नहीं यार इस बार इसने मुझे कौन सी दुनिया में कैद कर दिया। बट यार इसको भी पता है कि मैं यहाँ से भी आसानी से बाहर निकल जाऊंगा। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो शायद मैं और भी जल्दी निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर गए शायद मुझे इस गेम को कम्प्लीट करना होगा, तभी शायद मैं इस वाले गेम से आगे जा पाऊंगा और अगला गेम मैं कम्प्लीट करूंगा। अबे यार जो तेरा बड़ा भैया नहीं कर पाया वो तू कैसे करेगा बे पल्लू। देख इस बार मैं तेरी दुनिया से भी बाहर निकल जाऊंगा और उसके बाद तेरा मुंह जरूर देखूंगा, कितना प्यारा लगेगा ना। बातें तो बढ़िया कर लेता है, काम भी उसी की तरह करेगा तो अच्छा लगेगा। अबे सुन, मैं यहाँ पे तेरा अच्छा लगने नहीं लगाने आया हूँ। और देख तेरी दुनिया में भी मैं तबाही मचा दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है लिटिल सिंगा। पता नहीं यार मैं कभी कभार कितनी नौटंकी करता हूँ, बट मुझे इस बात को सीरियसली लेना होगा कि यार ये काल के छोटे भैया की दुनिया है, तो यार ये कुछ तो इसमें भी खास होगा। पता नहीं गाइस मेरे पास शायद कुछ भी नहीं है जिनसे इन्हें मैं खत्म कर पाऊँ। और ओके मेरा गेम ओवर हो चुका है, बट मैं दोबारा कोशिश करूंगा क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानता हूं। तो यार देखो दोबारा यहां से गेम को प्ले कर सकते हैं और इसके बाद पता नहीं मैं कौन सी नई दुनिया में फंसने वाला हूं, क्योंकि ये पल्लू की दुनिया, काल के छोटे भैया की दुनिया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे भी। हम मुझे थोड़ा थोड़ा गेम को समझने आ रहा है कि अगर मैं यहाँ से, देखो यहाँ से जो मैं से कंट्रोल कर सकता हूँ अपने कैरेक्टर को जो कि नीचे है, और इसी से जो मुझे सामने जो भी दुश्मन आने वाले हैं उन्हें मुझे खत्म करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं फिस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से एक बर्फ का गोला निकलेगा जो कि सामने वाले बंदों को खत्म करने में मेरी थोड़ी सी हेल्प तो करेगा। बट देख सकते हो ये बर्फ का गोला जा रहा है। ओके मेरे को गेम काफी हद तक समझ आ चुका है। तो अभी मुझे लगता है कि शायद ये गेम कंप्लीट होने वाला है और पल्लू की होने वाली है। पल्लू। ये कैसी हरकतें कर रहा है? तू एक हीरो है और मैं एक विलन। बच सकता है तो बच ले, अभी तो बस फिर बात है आगे आगे देख तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। तुझे क्या लगता है पल्लू कि मैं तेरी इन छोटी मोटी धमकियों से डर जाऊंगा? अभी तूने मेरे बारे में क्या ही जानता है? अपने बड़े भैया काल से पूछ क्या, हर बार उसकी दछिया मेरे हाथों ही उड़ती है। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बट गाइस चलो यार गेम पे ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा, मुझे गेम समझ आ चुका है। और यहाँ से मैं दुश्मनों की दछियां भी उड़ा रहा हूँ, देख सकते हो मैं कितना कमाल खेल रहा हूँ ना। सच में यार इतना कमाल तो सिर्फ आपका भाई लिटिल सिंगम ही खेल सकता है। अगली बार देखना गाइस कुछ कमाल का लेके आएंगे और थोड़ा काल से दूर रहेंगे। पता ही नहीं यार इस काल को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मुझे कहीं ना कहीं फंसाते ही रहता है। बट मैं हार चुका हूँ। ओके बट चलो यार मैं दोबारा कोशिश करूंगा। अबे यार पल्लू इस बार तूने मुझे कहाँ पे फंसा दिया? पता नहीं यार ये कौन सी दुनिया है, बट यार मुझे इतना समझना होगा कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके जल्दी बाहर निकलना होगा। मुझे वैसे तो कुछ भी समझने नहीं आ रहा कि यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। बट रुको यहाँ पे गाइस काफी सारे तरह तरह के बटन है, बैटल हो जाती गलती। तो यहाँ पर गाइस मैंने बैटल को बिगेन कर दिया। तो यहाँ पर दो पोकेमोन है, दोनों के नाम नहीं पता, बट एक का पता है, शायद एक का नाम है चारिमेंड्रिया। ओके मुझे दोनों के नाम नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में दोनों के ही नाम बता देना। तो यार यहाँ पे ओके मैं यहाँ से बटन कर रहा हूँ तो ये जो मेरा पोकेमोन है वो सामने वाले पोकेमोन पे हमला कर रहा है और मुझे शायद इस जो लाल कलर का पोकेमोन इसको हराना है। तो यहाँ पे सारे अटैक के नाम लिखे हैं, क्यू का अटैक है और भी है, इस वाले को यूज करके देखते हैं। ओके सामने वाले को डैमेज पड़ा पानी वाला, देख रहे हो यार कितना। बट यार सामने वाला भी काफी कमाल का पोकेमोन है जो कि मुझे फायर का डैमेज दे रहा है, बट मैं ओपी हूँ, देखो यार मेरे से ये नहीं जीत पाएगा। तो देखो यार इसका, बट यार एक बात बताओ, ना ही मैं आ रहा हूँ ना ही वो आ रहा है, भाई कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो दोनों? मुझे इस लड़ाई का कोई भी अंत नहीं दिख रहा था तो मैंने घूमने का फैसला किया, क्योंकि यार मुझे यहाँ से बाहर निकलना, ना कि मुझे यहाँ पे फाइट वगैरह करना है, क्योंकि यार देख सकते हो सामने वाला कमाल का पोकेमोन है
जो कि हार ही नहीं रहा है और ना ही मेरा पोकेमोन आ रहा है, और मैं अगर इससे हरा नहीं सकता तो मैं यहाँ से चोरी छुपके जरूर भाग सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पल्लू की दुनिया का ट्राई कर रहा था, यहाँ वालंग हो रहा था, लेकिन यार मुझे तो यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। बट मैंने फिर से फैसला किया कि मैं तुम्हें फिर अटैक करने वाला हूँ, तो मैंने इस पर जो लगातार 3-4 लाइटिंग मार दी। मुझे लगा कि इसके बाद तो शायद ही खत्म हो जाना चाहिए, बट मुझे नहीं पता यार सच में कितना पावरफुल है। बट अगली वीडियो में मैं यहाँ से भी निकलने का तरीका ढूंढ लूंगा, या तो पल्लू खुद ही मुझे यहाँ से छोड़वा देगा। बहुत बढ़िया पल्लू, इसे संभाल रखो, तब तक मैं मिर्ची नगर को खत्म कर देता हूँ।